गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं स्वाति सिंह आज आप लोगों को विषय वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा पढ़ाऊंगी। इसमें आपका पहला चैप्टर है शिक्षा की संकल्पना, अर्थ एवं महत्व। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें पहला हमको जानना है कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा की संकल्पना। कैसे शिक्षा आया, शिक्षा के बारे में लोगों का क्या मत है, उसके बारे में हम जानेंगे सबसे पहले। तो शिक्षा के बारे में हम जानेंगे तो शिक्षा का अर्थ क्या होता है। शिक्षा का अर्थ अगर सामान्य रूप से देख रहे हैं तो विद्यालय में अध्ययन की जाने वाली शिक्षा से लगाया जाता है। हम ये मानते हैं कि शिक्षा वही है जो हम विद्यालय से प्राप्त करते हैं, या हमें स्कूल कॉलेज से जो हमें शिक्षा मिलती है वही वास्तविक शिक्षा होती है। इसी से हम शिक्षा का अर्थ निकालते हैं, कॉन्सेप्ट यही मानते हैं कि शिक्षा यही है। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि शिक्षा जो आम बोलचाल में अर्थ उसका होता है सीखना, यानी शिक्षा से हम कुछ सीखते हैं, शिक्षा का अर्थ है सीखना। जैसे कि आप सभी देख भी रहे हैं महर्षि वेद व्यास के कथानुसार, यानी महर्षि जो वेद व्यास जिन्होंने महाभारत लिखी है उनके अनुसार कि शिक्षा जीवन के सत्य का दीर्घदर्शन ही नहीं करती, वस्तुतः वह मनुष्य को बोलना चलना तथा व्यवहार करना भी सिखाती है। यानी शिक्षा से हम सिर्फ जीवन का सत्य के नहीं देख सकते हैं, उसका दिव्य दर्शन ही नहीं कर सकते हैं अपने जीवन का शिक्षा से, बल्कि हम शिक्षा से मनुष्य जो है वो अच्छे से बोलना चलना और व्यवहार करना भी सीखता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि शिक्षा की संकल्पना क्या है। तो शिक्षा का अर्थ सामान्यतः विद्यालय में अध्ययन की जाने वाली शिक्षा से लगाया जाता है। अमुक व्यक्ति ने किस कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की, यह प्रश्न प्रायः किसी व्यक्ति की शैक्षिक क्षमता को जानने के लिए पूछा जाता है। यानी हम किसी के बारे में जानना चाहते हैं कि हाँ आपने कितने पढ़ा है, आपके पास कितनी डिग्री है, आपने बीए किया है या एमएड किया है, बीएड किया है, ये सब चीज़ें पूछते हैं। शिक्षा का बोल चाल में यही अर्थ होता है सीखना, अर्थात हम किसी ज्ञान को सीखते हैं तो उसे शिक्षा माना जाएगा, यानी किसी चीज़ को हम सीख रहे हैं तो शिक्षा है। औपचारिक रूप से हम विद्यालय में कक्षा दर कक्षा शिक्षा ग्रहण करते आए हैं और आगे बढ़ते जाते हैं, यानी कि एक कक्षा एक दर्जा में गए फिर दूसरे दर्जा में से हम आगे बढ़ते जाते हैं, परंतु उससे भी अधिक शिक्षा हम जीवन पर्यंत अपने दैनिक जीवन में कदम दर कदम सीखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम शिक्षा को विद्यालय स्तर तक ही सीख सकें, हम अपने जीवन में हर एक कदम पे शिक्षा को ग्रहण करते हैं। यानी कि शिक्षा सिर्फ एक चार दीवारी के अंदर ही नहीं सिमटी रहती है, शिक्षा एक कह सकते हैं कि एक पूरी व्यापक है, हम हर जगह से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, किसी से भी सीख सकते हैं, हमारा छोटा हो या हमसे बड़ा हो या हमसे बहुत उम्र में बड़ा हो उससे भी हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। हम चाहें तो प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक घटना से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। बात है हम पुरानी जो हमारे बीत चुकी है पास्ट है उससे भी हम कुछ शिक्षा ग्रहण करते हैं, क्या कि आने वाले भविष्य में अभी हमसे कोई वैसी त्रुटि ना हो। शिक्षा कभी भी पूर्ण नहीं होती है क्योंकि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। हम जब जन्म लेते हैं और जब मृत्युशैया पे जाते हैं तब तक हम शिक्षा से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। कोई व्यक्ति यदि यह कहता है कि उसने शिक्षा पूर्ण कर ली है तो ये समझिए कि वो आपको बहला रहा है, आपको झुठला रहा है, ठीक, या आप कह सकते हैं कि सामने वालों को गुमराह कर रहा है कि उसने शिक्षा ग्रहण कर ली है। शिक्षा व्यक्ति जन्म से प्राप्त करने लगता है और अपने जीवन के अंतिम श्वास तक ग्रहण करता रहता है। यानी कि मैंने अभी बताया आप लोगों को कि शिक्षा जो है वो जन्म से लेके मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, यानी जब व्यक्ति संसार में आता है तब से लेके और जब इस संसार से जाने लगता है तब तक ये शिक्षा वो ग्रहण करता है। तो महर्षि वेद व्यास के अनुसार यही कहा गया है, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि महर्षि जो वेद व्यास हैं उन्होंने क्या कहा है कि शिक्षा क्या है।
शिक्षा जीवन के दर्शन का दिग्दर्शन ही नहीं करती परंतु क्या करती है, शिक्षा सिर्फ दिग्दर्शन नहीं करती, व्यक्ति को चलना बोलना सिखाती है, व्यवहार करना सिखाती है। तो ये आप सभी देख लीजिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। जैसे आप देखिए कॉन्सेप्ट अगर पूछ रहा है, शिक्षा की संकल्पना पूछ रहा है, तो आपको ये याद रहेगा तो आप लिख सकते हैं कि हाँ ये शिक्षा इन्हें किसी की कथना अनुसार ये याद रहता है तो अच्छा रहता है लिखने में। जस्ट आगे हम देखते हैं कि शिक्षा के बारे में और क्या किसने क्या कहा है। तो अब आप लोगों अगर पूछे कि शिक्षा की संकल्पना क्या है, तो आप अच्छे से बता सकते हैं कि शिक्षा का अर्थ सामान्यतः विद्यालय में अध्ययन की जाने वाली शिक्षा से लगाया जाता है, और शिक्षा का बोल चाल में अर्थ है सीखना। ठीक, इसको आप लोग लिख सकते हैं। ठीक, इसके आगे हम जानना चाहते हैं कि प्राचीन समय में शिक्षा का अर्थ क्या था, यानी कि जब प्राचीन समय में शिक्षा को किस अर्थों में लिया जाता था। तो प्राचीन काल में शिक्षा से तात्पर्य था आत्मज्ञान तथा आत्मप्रकाश माना जाता था। पहले जो ऋषि मुनि थे वो आत्म साधना करते थे, जिससे उन्हें अनेकों ज्ञान प्राप्ति होती थी, कई सिद्धियां प्राप्त होती थी। तो प्राचीन काल में क्या आदि काल में हम कह सकते हैं कि जो शिक्षा का ये अर्थ माना जाता था, शिक्षा आत्मज्ञान यानी अपने स्वयं का जो ज्ञान हमें स्वयं से प्राप्त होता है वो आत्मज्ञान आत्मप्रकाश माना जाता था। यानी समय और धीरे धीरे जैसे 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 समय परिवर्तन होता गया, शिक्षा का अर्थ महत्व भी परिवर्तित होता रहा। इससे प्राचीन काल में यूनान में राजनीतिक शारीरिक मानसिक नैतिक तथा सौंदर्य शिक्षा प्रदान की जाती थी। मतलब यूनान जो प्राचीन काल में यूनान जो है वहाँ पे राजनीति शिक्षा दी जाती थी, शारीरिक शिक्षा यानी शरीर को बलिष्ठ बनाया जाता था, उस तरीके शरीर को कैसे स्वस्थ रखा जाए इस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। मानसिक शिक्षा यानी अपने अपने मस्तिष्क को कैसे हम सही ढंग से रख सकते हैं, यानी कैसे हमें सोचना है, कैसे बोलना है, कैसे क्या करना है। ठीक, नैतिक शिक्षा, सौंदर्य शिक्षा भी दी जाती थी। उस समय शिक्षा का उद्देश्य केवल बलिष्ठ सैनिक उत्पन्न करना था। उनका एक और शिक्षा का ये भी उद्देश्य था कि सैनिक उत्पन्न करना, जैसे ये कहा जा सकता है कि वो शारीरिक शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान देते थे। यानी उनका उद्देश्य था कि वो सैनिक उत्पन्न करना, या कह सकते हैं कि सैनिक का निर्माण करना। उसके आगे आधुनिक शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, या कह सकते हैं कि आधुनिक शिक्षा आजीवन चलने वाली बहुआयामी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जीवन के साथ साथ निरंतर चलती रहती है। जो ये प्रक्रिया है ये व्यक्ति के साथ जीवन के साथ निरंतर चलती रहती है। शिक्षा का ये भी माना जाता है व्यक्ति को विद्यालय शिक्षा के अतिरिक्त जीवन उपयोगी हर प्रकार की शिक्षा लेनी पड़ती है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ हम विद्यालय से ही शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, विद्यालय के साथ साथ हम जीवन उपयोगी हर प्रकार की शिक्षा में लेनी पड़ती है। व्यक्ति कठिनाइयों अर्थात दुख से भी शिक्षा ग्रहण करता है, यानी जो दुख के समय में उसने क्या क्या उसको परेशानी उत्पन्न हुई है वो सारी शिक्षा वो लेता है उससे, और सुख से तो लेता ही है। ये तो भाई है कि सुख सभी लोग भोगते हैं, दुख में कोई दुख चाहता नहीं कि हमारे जीवन में कोई दुख आए, कोई संकट आए। तो जो दुख आता है उसमें ही हमें हमारे धैर्य की परीक्षा ली जाती है, ताकि हम ये देखता है दुख की हमारे अंदर कितना पेशेंस है, हम कितने सहनशील हैं, हम उस चीज़ की परीक्षा लेते हैं। हम उसमें से ये चीज़ सीखते हैं और सुख में हम तो सुख भोगते हैं। छोटे बड़े सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि आप मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया कि जो शिक्षा है हम कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि शिक्षा सिर्फ हम विद्यालय से ही प्राप्त करें। अब ये जानते हैं कि शिक्षा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की शिक्ष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है सीखना और सिखाना, जिसका अर्थ होता है सीखना और सिखाना।
तो ये रहा आपका सीखना और सिखाना। शिक्षा का अर्थ होता है सीखना और सिखाना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस अर्थ में यदि हम देखें तो शिक्षा में वह सब कुछ निहित है जो हम समाज में रहकर सीखते हैं। ये बात है कि हम किसी से सीखते हैं, फिर हम दूसरों को सिखाते हैं, ये प्रक्रिया चलती रहती है। कोई हमें सिखाता है, गुरु हमें सिखाता है, हम उसे सीखते हैं, फिर आगे वाले को हम वो प्रदान करते जाते हैं। तो शिक्षा ये सब प्रक्रिया जो चलती रहती है। तो इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा कि शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शिक्ष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है सीखना और सिखाना। ठीक, इसके अर्थ में ही शिक्षा ही सब कुछ निहित है। आगे हम देखते हैं कि जो हम समाज में रहकर सीखते हैं, शिक्षा शास्त्री जो हैं वो शिक्षा शब्द का प्रयोग प्रायः तीन रूपों में करते हैं। मतलब कि उन्होंने शिक्षा शास्त्री हैं जो, उन्होंने शिक्षा को तीन रूपों में बताया है। जैसे तीन रूप कौन कौन से हैं, तो तीन रूप आप देख भी रहे हैं कि पहला है ज्ञान। पहले हम देखते हैं ज्ञान, नॉलेज, और दूसरा है पाठ्यचर्या का एक विषय, यानी सब्जेक्ट ऑफ करिकुलम। पाठ्यचर्या जो हमारी है, जैसे कि आपका एक ये है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, उसका ये विषय आप है, इसमें आप पढ़ रहे हैं। दूसरा दिया है व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया, यानी प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द बिहेवियर। ये आपका तीन पॉइंट है जिन्हें शिक्षा शास्त्रियों ने अपने शब्दों में इसको बताया है। तो जस्ट पॉइंट हम आगे देखते हैं, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट आपका दिया है कि शिक्षा यानी नॉलेज क्या है, पहले हम ये जानना चाहते हैं। तो वास्तव में हम में देखा जाए तो शिक्षा का तीसरा जो अर्थ है वो अधिक उचित प्रतीत होता है। मतलब कि हम नॉलेज ज्ञान जो है हम जब सीखते हैं तब उसे प्राप्त करते हैं। जैसे लास्ट जो दिया है कि व्यवहार में परिवर्तन आने की प्रक्रिया, तो इसको सबसे ज़्यादा उचित माना गया है, क्योंकि समाज में रहकर व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है उसी के परिणाम स्वरूप वह स्वयं के जो पार्श्विक प्रवृत्तियों से ऊंचा उठाता है, स्वयं को पार्श्विक यानी मतलब कि पशु के समान जो प्रवृत्तियाँ करता है, हिंसा करता है, लोगों से अत्याचार करता है, इन सब चीज़ को से ऊपर उठता है। लोगों से विनम्रता से बात करना, लोगों के प्रति स्नेह दिखाना, दयालुता दिखाना, ये सब चीज़ की भावनाएँ उसके अंदर उत्पन्न होती हैं और सभ्य एवं सामाजिक प्राणी बनने की इच्छा रखता है। शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति का या बालक का मार्गदर्शन होता है, यानी हम शिक्षा के द्वारा ही मार्गदर्शन करते हैं। परंतु इन संदर्भों में शिक्षा को समझने हेतु हमारे लिए यह अनिवार्य होता है कि हम शिक्षा को विद्यालय की चार दीवारी के अंदर चलने वाली प्रक्रिया ही ना माने। हम सबसे पहले ये नहीं कहना ना कहें कि हम अगर हम शिक्षा ग्रहण करेंगे तो सिर्फ विद्यालय जाकर ही ग्रहण करेंगे, चार दीवारी के अंदर ही हम जाकर शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं। हम शिक्षा कहीं भी किसी के माध्यम से भी सीख सकते हैं। अब मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप लोग स्कूल कॉलेज नहीं जाइएगा, जाइएगा, क्योंकि वहाँ भी आप लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है जो हम कहीं और नहीं सीख सकते हैं। अब फिर इसके आगे ये दिया है कि हम ये नहीं मानना चाहिए कि वो चलने वाली प्रक्रिया है, वरन इसे समाज में अनवरत चलने वाली प्रक्रिया के रूप में भी स्वीकार करें, यानी कि ये समाज में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया के रूप में भी हमें इसे स्वीकार करना चाहिए कि शिक्षा जो है समाज में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये आज जब से ये मतलब कह सकते हैं कि मनुष्य का जन्म हुआ है तब से ये शिक्षा चलती आ रही है। फिर आगे देखते हैं, निस्संदेह हम यह कह सकते हैं कि मानव जीवन को सजाने व संवारने में शिक्षा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। ये शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि मनुष्य के जीवन को सजाने और संवारने में शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है। साथ ही शिक्षा के द्वारा ही समाज जो व्यक्ति है के द्वारा ही मतलब शिक्षा के द्वारा ही जो व्यक्ति समाज
अपनी संस्कृति और सभ्यता की रक्षा करते हुए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित करता रहता है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को देता जाता है। यानी कह सकते हैं कि शिक्षा के द्वारा ही हम अपनी संस्कृति और सभ्यता को बनाए रखते हैं और हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक उसको देते जाते हैं, प्रदान करते जाते हैं। इसके साथ ही समाज में रहकर व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है उसी के परिणाम स्वरूप वह स्वयं को पाशविक प्रवृत्तियों से ऊंचा उठाता है। ये आपको फिर मैं रिपीट कर रही हूँ, नहीं समझ में आया तो समझ लीजिएगा कि मतलब जो मनुष्य है वो अपनी पाशविक यानी पशु के समान जो प्रवृत्ति उसके अंदर है उससे वो ऊंचा उठता है और समाज में सभ्य और सामाजिक प्राणी बनने की इच्छा रखता है। वास्तव में शिक्षा ही वह प्रक्रिया है जो बालक को उचित प्रशिक्षण देते हुए उसका आकर्षण करती है। यानी कि शिक्षा जो है वो प्रक्रिया है जो बालक को उचित प्रशिक्षण देती है, यानी उनको बता देती है, शिक्षा प्रदान करती है जिसके उनका मार्गदर्शन होता है, वो आगे अपने मार्ग पे चलते हैं। फिर शिक्षा शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों में किया जाता है। शिक्षा शब्द को कई सारे रूपों में किया गया है कि शिक्षा सबने अपने अपने मत दिए हैं कि शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिस शिक्षा जन्म से मृत्यु तक सीखते रहते हैं, हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। इसी में प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री अरस्तु है, इन्होंने क्या कहा है कि शिक्षा मनुष्य को पाशविक प्रवृत्तियों से ऊँचा उठाने का कार्य करती है। ये सबसे मेन पॉइंट है, इसको आप लिख देंगे तो आप बहुत ही अच्छा रहेगा। जैसे कि ये दिया है, मैं फिर से इसको समझा रही हूँ कि शिक्षा मनुष्य को पाशविक प्रवृत्तियों से ऊंचा उठाने का कार्य करती है। यानी कि जो मनुष्य के अंदर हिंसा भरा है, पाप भरा है, दुराचार है, कह सकते हैं कि देख ये इन सब चीज़ों से वो ऊपर उठता है, जिसके अंदर विनम्रता दया इस सब की भावनाएँ आती हैं, तो ये सब किससे संभव होता है? शिक्षा के द्वारा संभव होता है। यानी कि शिक्षा जो है मनुष्य को पशु के समान प्रवृत्ति करने वाली भावनाओं से ऊंचा उठा के सभ्य और सामाजिक बनाता है। अपने सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व धार्मिक धारणाओं के अनुसार शिक्षा शब्द की व्याख्या करने की चेष्टा करता है। यानी जितने भी शिक्षा शास्त्री हैं, चाहे वो जो भी आए हैं, उन्होंने शिक्षा को सामाजिक रूप में, आर्थिक रूप में, राजनीतिक रूप में, धार्मिक रूप में, इन सभी धारणाओं के अनुसार ही शिक्षा की व्याख्या करने का प्रयास किया है। प्रत्येक कह सकते हैं कि सबने अपने अपने मत दिए हैं इसके बारे में कि शिक्षा है क्या। तो सबसे पहले जो पहला दिया जो निम्नलिखित है, पहला है शिक्षा का व्युत्पत्तिक अर्थ, यानी कि डायरेक्टिव सेंस ऑफ एजुकेशन। यानी कि हमें ये जानना है कि शिक्षा कहाँ से उत्पन्न हुई है और ये शिक्षा की उत्पत्ति कैसे हुई है। दूसरा दिया है शिक्षा का संकुचित अर्थ, यानी नैरो सेंस ऑफ एजुकेशन। संकुचित का अर्थ होता है कि संकर, यानी कि एकदम कोई जैसे कि पतली सी नली होती है, उसी के रास्ते कोई चीज़ प्रवाहित होती है, उसी तरह से शिक्षा का संकुचित अर्थ, नैरो सेंस ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का व्यापक अर्थ, वाइडर सेंस ऑफ एजुकेशन, यानी कि हम कह सकते हैं कि व्यापक यानी बहुत बड़ा। शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ, यानी कि एनालिटिक सेंस ऑफ एजुकेशन। और उसके बाद से शिक्षा का वास्तविक अर्थ, यानी रियल मीनिंग ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा के हम रियल वास्तविक क्या अर्थ होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कल मैं आप लोगों को शिक्षा का इन पांचों टॉपिक के बारे में बता दूंगी कि शिक्षा की उत्पत्ति कैसे हुई, शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या होता है, शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या होता है, शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ क्या होता है और शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस कर दूँगी। फिलहाल आप लोग को मैं फिर से बता देती हूँ कि शिक्षा क्या है, शिक्षा की संकल्पना। तो शिक्षा का अर्थ जान लीजिए कि विद्यालय में अध्ययन की जाने वाली शिक्षा से लगा जाता है, लेकिन शिक्षा क्या है, सीखना और सिखाना है।
यानी कि हम शिक्षा से बहुत कुछ सीखते हैं। जो शिक्षा है हमें पार्श्विक प्रवृत्तियों से ऊंचा उठाने का कार्य करती है। तो अब आप लोग इसको देख लीजिएगा, जो ना समझ में आप उसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको फिर से इसके बारे में डिस्कस कर दूँगी।